सभी का स्वागत है। कल हमारा शंभू लघु काव्य चल रहा था, आज हम उसके आगे के चार जो अंश हैं वो करेंगे। कल हमने कौन से अंश किए थे? राजद्वार, पुष्पज्ञान, वन देवता और दंडकारण्य, ये चार अंश हमने कल पढ़े थे। आज हम करेंगे प्रतिपक्ष, छिन्नाशीष, शीश आत्म सत्य और रक्त तिलक। प्रतिपक्ष को समझने से पहले हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। राजद्वार में क्या था? राजद्वार की भव्य सुंदरता शोभा को वर्णित किया गया था और साथ में ही क्या है, वहां पर एक ब्राह्मण अपने पुत्र के शव को लेकर आता है, राजद्वार पर विलाप करने लग जाता है और राम को कहता है कि तुम्हारे राज्य में ऐसे कैसे हो गया। तभी नारद मुनि जी आकर के क्या कह देते हैं उनको कि दंडक वन में कोई तपस्या कर रहा है जिसके कारण क्या है, इसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो अगर उस शूद्र की हत्या कर दी जाए तो यह पुनः जीवित हो सकता है। तो राम क्या निर्णय ले लेते हैं कि वे दंडक वन जा कर के उस शूद्र मुनि को जाकर के दंडित करेंगे। पुष्पज्ञान में क्या है? राम पुष्पज्ञान में बैठ करके जाते हैं और जब वो उस यान में बैठकर जा रहे होते तो उस पुष्पज्ञान की भव्य सुंदरता को चित्रित किया गया है और राम के मन में जो विचार आ रहे हैं, जो उनको पुरानी स्मृतियां याद आ रही हैं और फिर उनका ध्यान भंग होता है और फिर उन्हें पता लगता है कि विंध्य पर्वत आ गया है, अब दंडक वन आने वाला है। यहाँ तक इस अंश में बताया गया है। वन देवता में क्या बताया गया था कि वन के जितने भी देवी देवता थे वो क्या है, राम के आगमन पर उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ उनकी पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं और अपनी व्यथा भी बताते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा में मानो सारा का सारा ये दंडक वन ही झुलस गया हो। अगले दंडकारण्य के अंदर क्या है? दंडक वन की भव्य सुंदरता के बारे में बताया गया है, वहाँ की नदियाँ कंदराएँ हो गई, वहाँ पर सूर्य उदय कैसे होता है, अस्त कैसे होता है, वहाँ के पशु पक्षी सभी को इसमें चित्रित किया गया है। अगला जो ये प्रतिपक्ष अंश है इसमें क्या है, दो मनस्वी व्यक्तियों के संवाद को लेखनीबद्ध किया गया है। ये दो मनस्वी कौन हैं? एक तो श्री राम है और दूसरे कौन हैं? शंभू। दोनों की वार्ता इसमें चल रही है। शंभूक ने क्या है, राम की राजव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि जिस राजव्यवस्था के अंदर मनुष्य के सत्कर्म को ही अपराध मान लिया जाए, ऐसी राजव्यवस्था को शीघ्र ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह वर्ग सीमित है और स्वार्थ से ग्रसित है। तो राम ने इसका क्या उत्तर दिया, इस प्रश्न चिन्ह जो शंभूक ने लगाया उसका राम ने क्या उत्तर दिया? राम ने कहा कि यह जो व्यवस्था है लोक स्वीकृत है, इसको भंग करने का, अमर्यादित आचरण करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो इस अंश के अंदर क्या है, इन्हीं दो मनस्वियों की वार्ता को दर्शाया गया है। अगला जो अंश है यहाँ पर क्या है, प्रतिपक्ष अंश जो है वो समाप्त हो गया है। अगला जो हमारा अंश है छिन्नाशीष, नाम से ही स्पष्ट है, छिन्न शीष अर्थात सिर का अलग होना, किसका? शंभू। जब शंभूक ने राम की राजव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उनसे तर्क वितर्क किए और कहा कि ऐसी राजव्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, यह तो घातक है समाज के लिए, तो राम क्या है, विवश होकर, लाचार होकर अपनी खड़ंग से क्या है, उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। अब राम ने उसके शीश को अलग कर दिया और उसके शीश से बहता हुआ जो रक्त है, जो काला रक्त है, मानो वह इस संसार से ही प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कि इस संसार में जो भी आता है अपने सत्कर्म को ही भोगता है, तो किसी का सत्कर्म किसी के लिए
किसी के मार्ग की बाधा कैसे बन सकता है। उसे राम की इस वदन नीति पर आश्चर्य होता है, उसे विश्वास नहीं होता कि राम ऐसी वध नीति को अपनाएंगे। उन पर तो पहले से ही विप्र के बालक की मृत्यु का अपराध लगा हुआ है, क्योंकि विप्र ने आकर के क्या कहा था राम से कि जब प्रजा पर कोई संकट आता है तो उसका अधिकारी कौन होता है? राजा। उसका दोषी भी राजा ही होता है। तो अभी वो उस ब्राह्मण के पुत्र की हत्या के दोष से तो मुक्त हुए ही नहीं, अब दूसरा जो शूद्र मुनि की जो उसने हत्या करी है उसके दोष से वो कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस अंश के अंदर, छिन्नाशीष के अंदर यही प्रसंग है, अर्थात यही बात इसमें दर्शाई गई है। उसके बाद में आत्मकथ्य अंश में क्या है, शंबूक का जो कटा हुआ सिर है वह आत्मकथन कर रहा है, अर्थात अपने आप से ही बातें कर रहा है। और क्या कह रहा है कि मैं शूद्र हूँ, मुझे तप करने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा इस समाज में क्या है, निम्न स्थान है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यह कहते हुए वो अपने बचपन की पुरानी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, मतलब अपने समय बीता हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। अब तक उसने अपने जीवन में शूद्र होने के कारण जितना कुछ भी सहा है उन सब बातों को वो याद करता है। वह बचपन की बात बता रहा है कि बचपन से ही मुझे धुतकारा गया है। वह ऋषि मुनियों के आश्रम में झाड़ू बुहार किया करता था, तब क्या है ऋषि मुनि क्या है उसके द्वारा शाक पात दिए गए तो स्वीकार कर लेते थे, लेकिन उसे अपने आश्रम में आने नहीं दिया करते थे। ऋषि मुनि क्या थे, उसके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, उसको क्या है मारते थे, पीटते थे, पैरों से भी उस पर प्रहार किया जाता था, उसे बहुत कुछ सुनाया जाता था। यहाँ तक कि उसके सगे संबंधियों ने भी ऋषि मुनियों के श्राप से विश्राप ना दे दें हमें ऐसे डर करके उसको क्या है त्याग दिया था। अब बचपन से ही जिसने इतना कुछ दुत्कार सहा है उसके जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आई होंगी, यह तो वह इस कथन में बता रहा है। आगे शंभु कह रहा है कि इन ऋषि मुनियों में एक वृद्ध अर्थात बूढ़े मुनि थे, वो क्या है उनके प्रति थोड़ी सी क्या है करुणा की दृष्टि रखा करते थे, वे उसके सिर पर करुणा भरा अपना प्यार भरा हाथ रखा करते थे, लेकिन नियति को भी यह मंजूर नहीं हुआ। और क्या हुआ कि दस्यु अर्थात दस्यु कौन होते थे उस समय, डाकुओं को बोलते थे है ना, जो हमला कर देते थे लूट लेते थे उनको बोला करते थे। तो दस्यु ने आकर के क्या किया, एक दिन उनको पेड़ पर उल्टा लटका दिया और नीचे क्या है आग लगा दी। तब से क्या है वह इसी दशा में पड़ा हुआ है, अर्थात पेड़ पे उल्टा ही लटका हुआ है। उसके बाल जो थे उस समय झुलस गए थे लेकिन क्या है अब पुनः से आ गए हैं, और आने के कारण इतनी सदियों से वह ऐसे लटका हुआ है उल्टा उस पेड़ के नीचे, दस्यु ने उनको लटका दिया था तो पुनः उनके बाल आ गए, उनका जो वेश था वो कैसा हो गया, ऋषि मुनियों वाला वेश हो गया। लोगों को लगने लगा कि यहाँ कोई तपस्वी बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है नीचे आग लगा करके, और लोग आने लगे वहाँ पर फूल चढ़ाने लगे पूजा करने लगे उसकी, और उसे बहुत बड़ा तपस्वी समझने लग गए। लोग उनके दर्शन के लिए आते फल फूल चढ़ाते थे और क्या है उसे संसार में विख्यात कर दिया कि यह तो बहुत बड़ा तपस्वी है और इस तरह से कठोर तप कर रहा है। अब राम ने उसको
किस बात का शंभू को सबसे बड़ा आघात लगा है, वो आत्मकंथन आत्ममंथन में कह रहे हैं कि मुझे इस बात का सबसे बड़ा आघात लगा है कि राम ने मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर क्या है आघात कर दिया, अर्थात मेरा वध कर दिया। उसी पेड़ पर क्या है, जिस पेड़ पर मैं लटका हुआ था, उसी पेड़ पर क्या है वो ब्राह्मण का बालक चढ़ा था और उस पर जो सांप चल रहा था पेड़ के ऊपर, उस सांप के काटने से उसके मित्र के बालक की मृत्यु हो गई और वो पेड़ के नीचे, मतलब सांप के काटने से मर के नीचे गिर गया। और सारा दोष किस पर आ गया, मुझ पर आ गया। जैसे ही ब्राह्मण के पुत्र के मुख में विषनाशक जड़ी बूटी गई और इधर से राम ने मेरी जो गर्दन है उसको धड़ से अलग किया, ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया, यह एक संयोग मात्र है। अर्थात इसमें शंभू का कोई कसूर नहीं था, राम ने क्या है उनकी बात को सुने बिना ही उन पर आघात कर दिया, अर्थात उसका उनका वध कर दिया। किसका, शंभू का। उसने कहा कि बालक जरूर इस पेड़ के ऊपर चढ़ा था और सांप ने उसको काट लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। इधर वो चढ़ा, सांप ने उसको काट लिया और इधर संसार में क्या हो गया कि इस शूद्र की तपस्या करने के कारण ही इस ब्राह्मण के पुत्र की हत्या हुई है। जैसे ही राम ने उधर उसकी गर्दन को धड़ से अलग किया, उधर ब्राह्मण के पुत्र के मुख में क्या है विषनाशक जड़ी बूटी डाली, वैसे ही वो बालक जीवित हो गया और संसार में क्या विख्यात हो गया कि उस शूद्र तपस्वी मुनि की राम ने जब हत्या की तो उस बालक की जो है उसको जीवनदान पुनः प्राप्त हो गया। इस कथन में शंभू के इस आत्म कथन को ही दर्शाया गया है कि यह एकमात्र संयोग था कि बालक की मृत्यु भी हो गई और वो पुनः जीवित भी हो गया। शंभू की हत्या बिना कारण ही हो गई। अगला जो अंश है, यहाँ पर क्या है ये अंश समाप्त हो जाता है आत्म कथ्य। अगला जो अंश है हमारा रक्त तिलक। रक्त तिलक अंश में शंभू का बहता हुआ, जब उसकी वो गर्दन अलग हुई धड़ से तो मानो उसके सिर से बहता हुआ काला जो लहू है वह एकलव्य के छिन्न अंगूठे से कहता है कि तुम अपने ताजे लहू से क्या है मेरे माथे पर राज तिलक करो। किस लिए राज तिलक करो, क्योंकि जो नियति मेरी थी वही नियति तुम्हारी भी हुई थी। यहीं पर यह अंश समाप्त हो जाता है। आपको यहाँ तक की ये कथा समझ में आ गई होगी कि जो ये इसमें दिखाया गया है शंभूक काव्य में, इसमें क्या है शंभूक की जीवन कथा ही बताई गई है, उसकी मानवव्यथा ही बताई गई है और इस समाज के अंदर जो शूद्र के साथ व्यवहार होता है वो आज भी कितना प्रासंगिक है। उस समय में वो हुआ करता था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह एक लघु काव्य है, जगदीश चंद्र गुप्त ने इसे लिखा है और इसे खंड काव्य न कह करके उन्होंने लघु काव्य नाम दिया। इस काव्य में आज की जो व्यवस्था है, समाज की जो व्यवस्था है कि इसमें वर्ग भेद जो किया जाता है उस पर प्रश्न उठाया गया।
गया है और ये जो प्रकरण कहाँ से लिया है, पौराणिक प्रकरण लिया गया है।